हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है, यदि आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम और कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू वांट पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल और वहां से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स की 101, वाई शुड यू बी डिस्पेयर्ड ऑफ योर सक्सेस ऑफ योर अंडरटेकिंग। तो इस सेंटेंस को पैसिव में यूज किया गया है, Why should you be? जब भी हम मॉडल्स के बाद में यानी कि should, would, can, could, may, might, must, इनके साथ जब भी be का प्रयोग किया जाता है और be के साथ यदि हम verb का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो ये पैसिव में हो जाता है। ये जो सेंटेंस दे रखा है इसको पैसिव में यूज़ किया गया है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे पैसिव वॉइस की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में यूज़ करना होगा और यदि सेंटेंस को हम एक्टिव में बनाएंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि why should you despair of the success of your undertaking. So the correct answer is A. Next question is 102. As Rais was going to town in the high street, a savage dog attacked him and bit him. ये कहना चाहते हैं, basically sentence ये कहना ये चाहते हैं कि जब Rais जा रहा था, town को जा रहा था street से होकर के, तो एक dog ने उस पर attack किया और उसे काट लिया। लेकिन सेंटेंस में कुछ फ्रेमिंग की मिस्टेक है, इधर का उधर किया गया है, तो सही सेंटेंस क्या बनेगा। फर्स्ट को देखते हैं, गोइंग टू अ टाउन सेवेज डॉग अटैक्ड हिम एंड बीट हिम इन द स्ट्रीट। तो इसका सही फर्स्ट ही हो जाएगा, एज रईस वॉज गोइंग टू द टाउन, जब वो टाउन को जा रहा था, अ सेवेज डॉग, एक जो डॉग था उसने किया कि उस पर अटैक किया और उसके काट लिया, उसको कहाँ पर, हाई स्ट्रीट में। तो जो हाई स्ट्रीट यूज़ किया गया है डॉग के लिए यूज़ किया गया, वहाँ पर वो जा रहा था, इस वजह से सही आंसर आपका होगा फर्स्ट। Next question is 103. Something is pretty here that Vineet can wear to the party. ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जिसको विनीत पहन करके पार्टी में जा सकता है। तो आप सभी को पता होगा कि जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन जिस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं उसके जस्ट बाद में आना चाहिए। यहाँ पे दैट का प्रयोग किया गया समथिंग के लिए। अब यदि समथिंग के लिए दैट का प्रयोग किया गया है तो समथिंग के जस्ट बाद में होना चाहिए, जो कि सेंटेंस में नहीं दे रखा है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। किस सेंटेंस से, थर्ड से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यार इज समथिंग प्रेटी, यहाँ पर कुछ जो बहुत ही खूबसूरत है और जो चीज़ यहाँ पे खूबसूरत है उसी को विनीत पहन करके पार्टी में जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104, और जो 104 का क्वेश्चन है कि आई हैव ड्रीम्ड ऑल माई लाइफ टू ओन अ ब्यूटिफुल मारून कलर्ड कार। ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी सपने देखा है एक ब्यूटीफुल मारून कलर की कार हमारे पास है, ऐसा सपने देखा है। तो जब भी हम ड्रीम की बात करते हैं, ड्रीम के बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इस वजह से सही आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। और जब ऑफ का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि टू को छोड़कर के कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105, और 105 जो क्वेश्चन है कि सिटिंग ऑन द हिल टॉप द सन वेंट डाउन वॉचिंग बिफोर हिम। तो ये जो सेंटेंस होता है, जब भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं यानी कि यहाँ पे पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, तो ये दोनों सब्जेक्ट अगर दोनों सेंटेंस का सेम है तो ये सही होता है, अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम नहीं है तो रॉन्ग हो जाता है। तो सन को क्या हम यहाँ सब्जेक्ट मान सकते हैं, यानी कि सूरज जो है हिल के टॉप पर बैठा हुआ था, नहीं, सूरज बैठ ही नहीं सकता है टॉप पर, तो इस वजह से रॉन्ग है। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, अगर हम देखें इसमें सही सेंटेंस, तो ए हो जाएगा, यानी कि ही वॉच्ड द सन गो डाउन, उसने सूरज को डूबते हुए देखा, और जब वो कहाँ पर बैठा हुआ, तो ही को हम सब्जेक्ट मान सकते हैं पहले सेंटेंस का, और इस वजह से आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106, और 106 है कि द कॉफ़ी इज सून टू बी क्लोज्ड। तो कॉफ़ी सून टू बी क्लोज नहीं, ये कहना चाहते हैं कॉफ़ी इज अबाउट टू बी क्लोज्ड। तो सही आंसर क्या होगा, बी, यानी कि कॉफ़ी जो है ऑफिस, सॉरी ये ऑफिस है कॉफी नहीं, द ऑफिस इज सून टू बी क्लोज के स्थान पे हो जाएगा, द ऑफिस इज अबाउट टू क्लोज। तो सही आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107, और 107 है, ही हैज़ अचीव्ड नथिंग आउट ऑफ हिज वे वर्थ मैंशनिंग। ये कहना चाहते हैं कि आपने जो भी उसका तरीका है उससे हट करके उसने कोई भी चीज़ नहीं सीखा जिसको मैंशन कर सकें, तो आउट ऑफ
द वे होता है, इस वजह से सही आंसर इसका हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट 108, आई हैव प्रिवेल्ड ऑन हिम टू वोट फॉर यू। तो जब भी हम प्रिवेल की बात करते हैं, प्रिवेल के बाद में हम ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं, अपॉन का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से, और इसकी मीनिंग होता है ऑन या अपॉन का प्रयोग करेंगे तो इसकी मीनिंग हो जाएगा एग्री होना। तो यहाँ पे सही आंसर ऑन भी है, अपॉन भी है, इस वजह से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, और सी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 109, ईगर टू पास हिज फाइनल एग्जाम स्टडिंग वॉज द स्टूडेंट्स टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसमें से सही आपको फिल करना है, तो देखेंगे इसमें स्टूडेंट मेड, अब इसमें सही क्या बनेगा कि ईगर टू पास हिज फाइनल एग्जाम, अपने एग्जाम फाइनल एग्जाम को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, इसलिए क्या कि स्टूडेंट ने मेड स्टडिंग हिज टॉप प्रायोरिटी, इसने क्या कि अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या बनाया, स्टडी करने को। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 110, मिस्टर डे विल नॉट गो टू वेडिंग रिसेप्शन, मिस्टर डे जो वेडिंग रिसेप्शन को नहीं जाएंगे विदाउट बीइंग कॉल्ड, अगर उन्हें बुलाया नहीं जाता है, तो इसको रिप्लेस करेंगे, सही सेंटेंस बनेगा इफ ही इज नॉट इन्वाइटेड, अगर उन्हें इन्वाइट नहीं किया जाता है, और दूसरा है अनलेस ही इज इन्वाइटेड। तो चूंकि हमें पता है कि यहाँ पे जब देखेंगे तो इफ को हम रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं इफ को, अनलेस से। तो वैसे सेंटेंस यहाँ पर इफ ही इज नॉट इन्वाइटेड और अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड, दोनों आंसर सही है, लेकिन ज़्यादा सुटेबल यहाँ पे सी ही, इस वजह से हम सी वाले पे जाएंगे, आपका सी सही आंसर होगा, और यदि सी ऑप्शन में नहीं होता तो ए वाले पे भी आप जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 111, शी इज़ अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेज, यानी कि वो एक ऐसी व्यक्ति है जो बहुत ही फ्रेंकली बोलती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पीक्स फ्रेंकली या स्पीक्स, इसकी मीनिंग जो होता है पुल पंचेज की मीनिंग होती है क्रिटिसाइज करना, और जो क्रिटिसाइज नहीं करता यानी कि फ्रेंकली बोलता है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112, देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट थ्रू लॉन्ग टाइम, ये कहना चाहते हैं उनकी जो दोस्ती वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। लंबे समय के लिए चलने के लिए हम यूज़ करते हैं लास्ट लॉन्ग, यानी कि आपको कहना है कि ये जो कपड़ा लंबे समय तक नहीं चलेगा, तो दिस क्लॉथ विल नॉट लास्ट लॉन्ग, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 113, और ये ऑल दीज आर्टिकल्स आर केप्ट इन अ टिन बॉक्स टू प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलिंग ऑफ डैम इन रेनी सीजन। तो ये जो सेंटेंस की फ्रेमिंग है सही नहीं, इसको पैसे में बनाएंगे जो ज़्यादा सही बनेगा, और पैसे में कौन सा बन रहा है, तो बी वाला बन रहा है, क्योंकि पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है, तो हो जाएगा प्रिवेंट देम बीइंग स्पॉइल्ड बाय डैम, तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114, योर प्रीवियस प्रोजेक्ट वॉज ओनली फेल्ड बिकॉज, देखिए जब भी हम ओनली का प्रयोग करते हैं तो जिस चीज़ को क्वालिफाई कराना चाहते हैं उससे जस्ट पहले यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये बिकॉज को क्वालिफाई करा रहे हैं क्योंकि ये पूरे सेंटेंस को यूज़ किया गया ओनली के लिए। ये कहना चाहते हैं आपका प्रीवियस प्रोजेक्ट फेल हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने प्रिजर्वियर नहीं थे उसमें, साबित कदम नहीं थे, कंटिन्यूस काम नहीं किए, तो इस ओनली को यहाँ से हटा करके बिकॉज से पहले लगाएंगे, और बिकॉज से पहले किस में लगा हुआ है, तो एक तो लगा हुआ है ए में फेल्ड ओनली बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्व, और बी है फेल्ड ओनली बिकॉज यू डिड नॉट प्रिजर्व फॉर इट। तो प्रिजर्व फॉर की कोई ज़रूरत नहीं, प्रिजर्व इन समथिंग होता है, तो इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, दिस क्राइम मेक्स अ मैन लाइबल, लाइबल का जब भी प्रयोग करते हैं तो उसके बाद में टू आता है, तो टू हमारे पास दो जगह है, एक फर्स्ट में है एक सी में है, लेकिन उसके बाद में हम फॉर का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116, आई डोंट थिंक मेनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग मीटिंग अटेंड कर पाएंगे टुमारो, बट फॉर वन हैव टू बी चेन्नई। तो यह पर बट नहीं कहना था, मुझे एक व्यक्ति के लिए वहाँ पे होना है, तो बट की कोई ज़रूरत नहीं, इस वजह से हम यूज़ करेंगे आई फॉर वन, यानी कि आई हैव टू बी इन चेन्नई फॉर वन, मुझे किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी खास व्यक्ति के लिए वहाँ होना होगा, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, माई विजिट्स टू माई फैमिली आर अ फ्यू एंड फार बिटवीन, यहाँ पे आ का प्रयोग नहीं करते, फ्यू एंड फार बिटवीन की मीनिंग कभी कभार, तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्यू एंड फार बिटवीन बी हो जाएगा सही, जिसकी मीनिंग होती है कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून की मीनिंग होती है कभी कभार, फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है, और ऑफ एंड ऑन होता है, इन सब की मीनिंग होती है कभी कभार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 118, द बैंक मैनेजर वॉज गिवेन अ हॉलीडे एंड सो ही रिजॉल्व टू गो फॉर हिच हाइकिंग, हिच हाइकिंग की मीनिंग होती है लिफ्ट लेकर के जाना, और जो यहाँ पर यूज़ किया गया है बिल्कुल सही है,
इस वजह से करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 119 और 119 है कि अवर बिग आयरन गेट जिंगल्स। ध्यान रखेंगे जब जिंगल की बात करते हैं या क्लैंग की बात करते हैं तो ये टकराना होता है, और दो धातु के टकराने की जो आवाज़ होती है उसको हम यूज़ करते हैं जिंगल्स, जैसे चूड़ियों की आवाज़ आती है जिंगलिंग यूज़ करते हैं, पायल की आवाज़ हो गई, और या क्लैंग तो इनके लिए यूज़ किया जाता है धातु की आवाज़ से। लेकिन ग्रेट होता है रगड़ने की जब आवाज़ आती है, और बैंग होता है किसी भी चीज़ की आवाज़ आती है। तो चूंकि यहाँ पर हिंज की बात करें जो कि दरवाजे में होता है और उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि रगड़ की उसकी आवाज़ आती है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 120। ऑल्दो अदर पार्ट्स द वर्ल्ड 20% ऑफ द फार्म एरिया इज ओन बाई वीमेन इन इंडिया वीमेन, तो इसमें देखें तो इसका सही क्या हो जाएगा, वाइल इसको हटा देंगे, वाइल इन अदर पार्ट्स ऑफ द 20%, जबकि 20% दूसरे पार्ट्स में, ठीक है, ऑफ द फार्म एरिया इज ओन बाई वीमेन इन इंडियन वीमेन, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सी होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 121 और यह है आई हैड मोर सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड। तो सिंपैथी जो कि अनकाउंटेबल नाउन है और इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा सही सेंटेंस ये। और दूसरी चीज़ इसको पास्ट में यूज़ किया गया है तो सही होगा प्रेजेंट टाइम में यूज़ करेंगे, क्योंकि आप कहना चाहते हैं कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, ना कि आप कहना चाहते हैं कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी, तो इस वजह से यूज़ करेंगे बी वाला, आई हैव मच सिंपैथी विद यू माई फ्रेंड, सो बी इज़ द राइट आंसर। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।